देवरिया के जिला अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही से एक मरीज की मौत हो गई। मरीज बेहद बुजुर्ग थे और अस्पताल में अपना इलाज कराने आए थे। अस्पताल के कमरा नंबर 11 के सामने बैठकर डॉक्टर का इंतजार कर रहे थे, लेकिन किसी ने उनकी सुध नहीं ली। जब काफी देर बाद बुजुर्ग की मौत हो गई, तब उनकी सुध लेने के लिए कर्मचारी पहुँचे और ऐसा जताने लगे कि उनकी कोई गलती नहीं है। अभी इसे पड़े थे, इसे कहाँ पे है इसमें? आप कहाँ पे हैं? सरकारी अस्पताल। जब देखे हैं तो जिंदा इसमें क्या दिखने में लग रहा है? मर गए। वहीं मौजूद दूसरे लोगों का कहना है कि जब उन्होंने उनको देखा तो उनकी सांसें चल रही थी, लेकिन किसी ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। देवरिया जिला अस्पताल। अभी क्या स्थिति है उसकी? उपचार हो सके कि नहीं, मर गया कि जीवा है। वहीं एक चश्मदीद ने बताया कि मरीज 24 घंटे अस्पताल में मौजूद था, लेकिन हर कोई उसे देखता और उसके ऊपर पैसे फेंक देता। मदद की तो किसी ने सोचा नहीं। आखिर में बुजुर्ग मरीज ने दम तोड़ दिया। कहाँ पे है इसमें? इसमें कहाँ पे है आप? भर्ती है। भर्ती में इस मरीज जो पड़ा है, कब देखे इसको? इसको तो कल से देख रहे हैं। हाँ, तो कल से यही पड़ा हुआ है। हाँ, कल से इसी तरह है। इलाज नहीं हुआ जिला अस्पताल में? कोई नहीं पूछ रहा। हाँ, सब खाली चार चौक फेंक रहे। अभी सुबह 10 बजे एकदम ऐसे 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 कर रहा था। कोई साथ नहीं था इसके? कोई नहीं छू रहा था। सब पैसा दूर से फेंक रहे थे। अब क्या स्थिति है? हम भी 10 का नोट फेंक दिए। हम कहा मर जाके 10 में जान दीजिए। सवारी के नोट पे चार हम 10 के फेंक दिए थे। इसमें क्या स्थिति है इसके? क्या स्थिति है इसमें? इसके फेंक दिए थे। इसमें कैसा है? कैसा है इसमें? क्या स्थिति है उसकी? इस पूरे मामले पर कोई भी अधिकारी या कर्मचारी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन इस घटना से ये साफ हो गया है कि इंसान की जान की कीमत आज के दौर में कुछ भी नहीं। जब मरीज गलियारे में पड़ा था, तब उसे देखने वाला कोई नहीं था। लोग उसके ऊपर पैसे फेंक रहे थे। उन्हें लगा ये पैसों को खाएगा, लेकिन किसी ने उस बूढ़े से उसका हाल भी नहीं जाना कि उसे क्या चाहिए। और आखिर में बुजुर्ग ने वहीं गलियारे में दम तोड़ दिया और इंसानियत भी इसी के साथ मर गई। देवरिया से विकास द्विवेदी की रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।